लेक्चर में मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम बीपी के बारे में, यानी ब्लड प्रेशर के बारे में, कि बीपी क्या है, बीपी के कारण कौन से होते हैं, बीपी के बचाव के तरीके और बीपी के लिए कुछ आसान से घरेलू उपचार। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को भी बजा दीजिए। हमारा दिल धमनियों में खून का संचार करता है और यह इतने फोर्स से खून का संचार करता है कि यह पूरे शरीर में फैल सके और इसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इसे हाइपरटेंशन कहते हैं और यह साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 80 माना जाता है। इसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब हमारा ब्लड प्रेशर 70-40 से लेकर 90-60 है तो लो ब्लड प्रेशर है, 90-60 से लेकर 120-80 है तो आइडल ब्लड प्रेशर है, 120-80 से लेकर 140-90 है तो प्री हाई ब्लड प्रेशर है, 140-90 से लेकर 190-100 है तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर के कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि अनुवांशिकता, नमक, मोटापा, तनाव, गर्भावस्था, धूम्रपान, शराब, किडनी के रोग, डायबिटीज, जंक फूड, कर्ब निरोधक गोलियां, आधुनिक व आराम तलब जीवन शैली, हमारे हार्मोन्स का गड़बड़ होना आदि ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। भोजन में अधिक मात्रा में नमक लेने से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे नमक का सेवन कम करें, दिन भर में एक छोटा चम्मच या लगभग 5 ग्राम नमक ही खाएं, थाली में अलग से नमक लेकर ना बैठें, साधारण नमक की जगह आप लो सोडियम सॉल्ट का उपयोग करें, सप्ताह में एक बार बिना नमक का भोजन करने की आदत डालें और थाली में नमक के व्यंजनों की संख्या में थोड़ी कटौती करें। धूम्रपान पूरी तरह छोड़ दीजिए, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते रहिए, मधुमेह को काबू में रखिए और अपनी किडनी की देखभाल करिए। बहुत सी दवाइयों का सेवन से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दवाई लें। दोस्तों अब मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इन नुस्खों को करने से पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। गेहूं और चने के आटे की बराबर मात्रा में लेकर बनाई गई रोटी को खूब चबा चबा कर खाएं। आटे से चोकर ना निकालें, यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफ़ी कारगर नुस्खा है। ब्राउन चावल उपयोग में लाएं, इसमें नमक, कोलेस्ट्रॉल और चर्बी नाम मात्र की होती है, यह उच्च रक्तचाप रोगी के लिए बहुत ही लाभप्रद भोजन है। लहसुन में एलिसिन होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है, ब्लड प्रेशर के डायलोस्टिक और सिस्टोलिक सिस्टम में भी राहत देता है। यही कारण कि ब्लड प्रेशर के मरीज को रोजाना खाली पेट एक लहसुन की कली निगलनी चाहिए। वैसे तो आंवला काफ़ी बीमारियों में मदद करता है, पर आज से आप जानें कि आंवला ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही राहत पहुंचाने वाला है। आंवले में विटामिन सी होता है, यह ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है। दोस्तों वैसे तो मूली एक साधारण सब्जी है, पर इसे खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसे पका कर या कच्चा खाने से बॉडी को मिनरल व सही मात्रा में पोटेशियम मिलता है। यह हाई सोडियम डाइट के कारण बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर पे भी असर डालता है। तिल और चावल की भूसी, तिल का तेल और चावल की भूसी को एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यह हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए भी लाभप्रद होता है। माना जाता है कि यह ब्लड प्रेशर कम करने वाले अन्य औषधियों से ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों इलायची के नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर प्रभावी ढंग से कम होता है। इसे खाने से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। दालचीनी के सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, यह ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू रखता है। दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो में आज कोई कमी नज़र आए तो उसे अनलाइक करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो में आज कौन सी कमी थी, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर सुधार लूँगी। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बगल में बनी घंटी को भी बजा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।